तो वो भोजली की कुछ सूर मुझे याद है, दो दो लाइनें मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की परंपरा सब तक पहुंचे। भगवान मोरे बाबा प्यारे बाबा आए हो, प्यारे बाबा आए, ज्योति बिंदु जेकर रूप हम सबके कहना, आओ भाई बहना। भगवान मोरे बाबा प्यारे बाबा आए हो, प्यारे बाबा आए, ज्योति बिंदु जेकर रूप हम सबके कहना, आओ भाई बहना। इस गीत का मतलब है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान किस धरती पर अवतरण हो गया है, एक नई दुनिया की स्थापना हो रही है और निमंत्रण आप सबको उस दुनिया में जाने का, उस कंडीशन के साथ कि हम अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाएं, चरित्रवान बनाएं, दैवी गुणों से भरें, अच्छे आदतों के साथ हम जीवन जिए, तो उस नई दुनिया जिसे सत्यु की दुनिया कहते हैं वहां हम जाएं। इस गीत का ये अर्थ है कि हम वहां पहुंचे, उसके लिए अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जाएं। चलिए आपको कुछ बातों को और कहते हुए कि ये जो प्रस्तुतियां दे रहा हूं इसके पीछे एक मकसद है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने जीवन को आदर्श बनाओ, अच्छा बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित करो और आगे बढ़ो। यूं ही मत अपने उस राह में रुके रहो जहां से दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, टेंशन हो, परेशानी हो, उससे थोड़ा ऊपर उठे। तो आइए इस गीत के बाद अभी मैं इसलिए चलता हूँ आपको छत्तीसगढ़ की उस संस्कृति में एक पंडवानी है और वो पंडवानी पूरे विश्व पर एक बहुत अच्छा नाम छोड़ा हुआ है। उस गायिका का नाम तीजन बाई, जिनको पद्मश्री का शायद अवार्ड मिला है। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको पंडवानी की तरफ। ज्ञान से आत्मा के ज्योति ला सब जगह वासनी।